नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मोटापा जो है बांझपन का कारण बनता जा रहा है, और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर श्वेता। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। डॉक्टर साहिबा, देखा जाए कि आजकल मोटापा जो है वो आम समस्या हो गई है, लेकिन अगर औरतों की बात करें तो मोटापा जो है बांझपन पर क्या असर पड़ा है, किस तरीके से जो है इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ा रही है? आजकल मोटापा जो है ऑन एन एवरेज, एक ऐसा स्टैटिकल कैलकुलेशन किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड की 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो आपका है उसमें जो ओबेसिटी की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये मोटापा किस तरीके से हमारे फर्टिलिटी को, हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे वेट को, सबको अफेक्ट कर रही है। बेसिकली जब से अर्बनाइजेशन हो गया है, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, खान पान जो है वो चेंज हो गया है, सब किसी न किसी तरीके से स्ट्रेस बहुत बड़ा एक फैक्टर है, वो भी मोटापे का कारण है। लेकिन ये सब मिल करके खासकर महिलाओं में आप देख रहे होंगे कि अर्बन सिटीज़ में रहने वाली फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का जो रेट बढ़ रहा है, जिसका बहुत बड़ा कारण है मोटापा। तो मोटापा जो है, कोई इंसान लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, तो मोटापा को हम लोग BMI के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। BMI इज़ बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हम लोग इंसान के हाइट को और उसके वेट को दोनों को हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ kg पर मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग एक एवरेज इंसान का वेट देखें कि वो कितना ठीक है, तो वो आपका 18-24 अगर BMI है तो वो एक एवरेज है, वो ठीक है। लेकिन मोर देन 25 इज़ ओवरवेट एंड मोर देन 30 इज़ ओबीस। अब ये क्या करता है कि जब अगर मोटापा है तो पूरे शरीर में फैट सेल्स हैं तो वो फैट सेल्स जो होते हैं एडिपोकाइंस नाम के सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। ये एडिपोकाइंस हमारे हार्मोनल डिसरेगुलेटरी करता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है खासकर उसको अफेक्ट करता है, हमारा मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसको इरेगुलर कर देता है। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर होता है, हम लोगों में अनओवुलेटरी साइकिल्स करते हैं, मतलब कि जो अंडा हर महीने फूटना चाहिए वो नहीं फूटता है। अगर अंडा नहीं फूटेगा तो फिर एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलिटी नहीं होगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जैसे ही ये मोटापे में आप देखते होंगे PCO की समस्या आने लगती है, PCO में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, फिर वो आकर के एनोवुलेटरी साइकिल्स कराता है। PCOD में आजकल चाहे वो आपका मोटापा जो वेट की जो समस्या है, एक जगह जहाँ मोटापा से हम लोग परेशान होते हैं, वहीं अगर कोई अंडर वेट है, मतलब कि आपका BMI लेस देन 18.4 है, वहाँ पे भी एनोवुलेटरी साइकिल्स होती है और फिर वहाँ कारण होता है हार्मोनल डिसरेगुलरिटी। आजकल आप लोग देखते होंगे कि एक ट्रेंड सा बन गया है कि मुझे वेट लॉस करना है। ड्रास्टिक वेट लॉस अगर हम किसी को करा रहे हैं तो इसको हम लोग इसको एथलेटिक एमिनोरिया भी कहते हैं, जिसमें फिर से आपका इनफर्टिलिटी जो होता है वो देखने को मिलता है। तो डॉक्टर साहिबा, की अगर जो बांझपन से जो समस्याएं जो महिला जूझ रही है, क्या उसको ठीक किया जा सकता है, क्या वो माँ बन सकती है? बिल्कुल माँ बन सकती हैं। बांझपन की समस्या जो हमें ओबेसिटी में देखने को मिल रहा है, तो मूल कारण तो हमें पता है कि ओबेसिटी है। अब हम जैसे कि कोई ओबीस कपल, सिर्फ ये एक समस्या फीमेल्स के लिए ही नहीं है, आपका मेल्स के लिए भी है। मेल भी अगर ओबीस हैं तो दोनों कपल में पहली बात तो लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, सेक्स करने की इच्छा और सेक्स करने की क्षमता दोनों का ही गिरावट देखने को मिलता है। तो हम लोगों को कपल काउंसलिंग करना है, दोनों को बिठा करके बताना है कि देखो इससे ये चीज़ों की दिक्कत हो सकती है और हमें वेट लॉस कराना है, बट डैट वेट लॉस भी शुड बी ग्रेजुअल, धीरे धीरे करके वेट लॉस कराना है, ना कि हम उसे बोल दें कि आप 10-15% ऑफ वेट एक महीने में लॉस कर लो। फिर ये हमारा, देखिए अभी मैंने बताया जैसे कि एडिपोसाइट्स जो होता है वो बेसिकली जो होता है हमारी हार्मोनल डिसरेगुलरिटी करा रही है, अगर हम उसे अचानक वेट लॉस कराएंगे तो फिर वो वही हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस कराएगा। तो एक ग्रेजुअल वेट लॉस बताना है, उसे डाइट बताना है, BMI का कॉन्सेप्ट देना है, और आप प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ये सब चीज़ करें, योगा, एक्सरसाइज, डाइट,
आपको ये तीनों का तीनों बेनिफिट अपने लाइफस्टाइल को में लाना होगा, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही मोटापा को आपका ख़त्म कर सकता है। चाहे वर्क का स्ट्रेस हो, घर का स्ट्रेस हो, हमारे खाने पीने का तरीका हो, उसको आपको चेंज करना होगा। तो ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ओबीस पेशेंट जो है वो कपल मतलब नहीं प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं हाँ, लेकिन एक उचित सलाह उचित परामर्श बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर श्वेता को सुन रही थी जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ दी है कि मोटापा जो है बांझपन पर क्या असर डाल रहा है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। साथ ही डॉक्टर साहिबा से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।